लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें हमारे पास जो रेंज होती है फंक्शन की वो जीरो से इन्फिनिटी तक होती है, हमारे पास मीन जो होता है वो म्यू वाई के इक्वल होता है, वेरियंस सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है, और यहाँ पर एक हमारे पास फंक्शन होता है जिसका मतलब ये है कि हमारे पास लॉग और एक्स जो ये दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और इसका डेंसिटी फंक्शन हमारे पास ये होता है जब हमारे पास रेंज हो जीरो से इन्फिनिटी तक, अदरवाइज क्या होता है जीरो हो जाता है। अब इसमें हम मीन और वेरियंस फाइंड आउट करेंगे, वो किस तरह से करेंगे, हमें पता है कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन किसके इक्वल होता है, बाय डेफिनेशन इसके इक्वल होता है। इसको अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप इस तरह से करेंगे कि उसमें इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, साथ में ये जो फंक्शन जो भी यहाँ पर होता है वो आ जाता है, और साथ में fx dx आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो ये है, ये ऊपर वाला, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सिंपली fx की जगह ये पूरा फंक्शन रिप्लेस कर देंगे, ln y जो होता है ये हमारे पास म्यू के इक्वल होता है, तो इसको हम म्यू की जगह रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, इसकी जगह म्यू रिप्लेस कर देंगे, वो हमारे पास ये आ जाएगा, बाकी ये पूरी टर्म वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें इसकी रेंज है वो जीरो से इन्फिनिटी तक है, तो ये जीरो से इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है, ये गलती से लिख दिया था, ठीक है। अब देखें अब हम क्या करेंगे कि हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, यहां तक मैंने आपको करवाया, ठीक है, ये देखें अब ट्रांसफॉर्म किस तरह से करेंगे कि हम लेट कर लेंगे कि ये जो है हमारे पास ये पूरा जो फंक्शन है ये z के इक्वल है, जब हमने इसको लेट किया कि ये z के इक्वल है तो यहां से हम क्या करेंगे सिग्मा y को इस साइड पे ले जाएंगे, यहां पर z हमारे पास ये आ जाएगा, ये माइनस म्यूज है, जब इस पर डेरिवेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये पूरे फंक्शन ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर dz आ जाएगा, ln x जो इसका जब डेरिवेशन लेंगे तो वो 1 ओवर x और dx आ जाएगा, ये एज अ कॉन्स्टेंट है तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा जीरो। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास d ये वाला जो फंक्शन है वो ये आ गया, जब हमारे पास x जीरो होगा तो z हमारे पास माइनस इन्फिनिटी होगा, और जब हमारे पास x इन्फिनिटी होगा तो z हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। तो अब देखें यहाँ पर अब जब हम इसकी जगह रिप्लेस करेंगे यानी कि हम अपने पूरे x फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर देंगे z फंक्शन में, तो इसकी जगह तो हम ये रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, dz इसकी जगह भी रिप्लेस कर देंगे, लेकिन x की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, तो इसलिए हमें x की वैल्यू भी चाहिए, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमने लेट किया था वो वही है, ठीक है, यहां से ये दूसरी साइड पर चलेगा, ये हो गया, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, वो किस तरह से, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ln x आ जाएगा, ln x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा e एक्सपोनेंट हो जाएगा, और ये पावर में चला जाएगा और x आ जाएगा, तो x की जगह हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, कि आप देख सकते हैं इनमें सिर्फ यहां से ये जो 1 ओवर x है वो किस तरह से है, ये वाला x जो है वो एक साइड पे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये पूरा इस टर्म में बन रहा है, तो यहां पर सिर्फ वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे सिग्मा y dz, और यहां पर इसकी जगह z रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह ये वाली जो हमने वैल्यू निकाली है ये लिख देंगे, अब ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें यहां पर अब क्या करेंगे कि हम अब एक्सपोनेंट की देखें ये पूरे वो ही फंक्शन लिख दिए, ठीक है, यहाँ पर पीछे हमारे पास क्या था, ये यहाँ पर आ था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। उसके बाद देखें जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, जब ऐड होगा तो ये प्लस और ये माइनस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये पूरी टर्म वैसे ही रहेगी और यहाँ पर भी ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि ये हमारा फंक्शन जो है जी की फॉर्म में चल रहा है, तो सिर्फ जिनमें जी इन्वॉल्व है वो हम उनको यूज करेंगे, बाकी जो होगा वो एज अ कॉन्स्टेंट हमारे पास होगा, तो कॉन्स्टेंट को हम बाहर ले आते हैं क्योंकि उस पे ये फंक्शन के कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहे होते, तो यहां से देखिए r म्यू y जो है वो कांस्टेंट होगा, इसलिए इसकी पावर को हमने अलग कर लिया, बाकी इनको अलग रहने दिया, एक्सपोनेंट में ब्रेक कर लिया, अब ये जो है ये पूरी टर्म बाहर आ जाएगी, ठीक है, यहां से एक सिग्मा जो होगा इस सिग्मा से कट हो जाएगा, और यहां पर हम लोग कोई कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे इस फंक्शन के साथ, जब यहां पर हम इस तरह से करवाएंगे तो यहां से हमारे पास कॉमन आ जाएगा -1/2, जब -1/2 कॉमन आ जाएगा तो यहां पर ये देखें ये माइनस जी था, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, और यहां पर ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव था तो यहां पर माइनस आ जाएगा, ये 2 वैसे ही रहेगा, आर सी जी ऐसे आ जाएगा, बाकी ये पूरी टर्म ऐसे ही आ जाएगी। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे इसके साथ, ठीक है, वो किस तरह के हम खुद ही से एक जो टर्म है वो ऐड करवा देंगे और एक सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, ये देखें ये टर्म हमने ऐड करवाई और सब्ट्रैक्ट करवाई है। अब ये ऐड वाला तो एक हमारे पास फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, ये हमने ब्रेक करके अलग से लिख लिया कि ये पूरा फंक्शन ऐसे है और ये जो टर्म है ये अलग हो जाएगी, जब इसको करेंगे तो ये इसका जो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक ये क्या हो जाएगा जी, और यहां पर जो भी फंक्शन है वो आ जाएगा दरम्यान में माइनस और यहां पर स्केयर आ जाएगा, ये पूरी टर्म वैसे ही रहेगी। अब यहां पर देखें कि हम क्या करेंगे, अब ये वाली टर्म जो है हमारे पास ये वाली टर्म जब बाहर आएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये देखें ये वाली टर्म जब बाहर आ जाएगी तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, ये और ये दोनों इनके बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी और बाकी ये पूरी टर्म जो है वो ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें कि हम क्या करेंगे,
ये यहां से ये एक टर्म अलग कर लेंगे और बाकी ये वाला पूरा ऐसे लिख देंगे। ये पूरा टर्म जो एरिया अंडर द कर्व के टर्म में बन जाएगा, जहां पर हमारे पास म्यू जो होगा वो इसके, म्यू जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ये देखिए म्यू जो होगा वो इसके इक्वल होगा और सिग्मा जो होगा वन के इक्वल होगा। तो इसमें इसमें करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, वन के। और जब हमारे पास म्यू जीरो होता है और वेरियंस वन होता है तो ये एरिया अंडर द कर्व ये बनता है। और इस तरह सिमिलरली इसके साथ जब बनेगा तो वो भी हमारे पास वन के इक्वल आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी फंक्शन की जगह हम वन रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग ये रह जाएगा, ये हमारे पास एक जनरल आ जाएगा म्यू आर्बिट्रेरी आर। तो हम आर की जगह वैल्यूज रिप्लेस करते जाएंगे, मतलब कि वन रिप्लेस करेंगे तो म्यू वन आ जाएगा, टू रिप्लेस करेंगे तो टू आ जाएगा। ये देखें ये हमारे पास जनरल टर्म आई है। सबसे पहले जब हम इसमें मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन फाइंड करने हैं, वन टू थ्री फोर, तो जहां जहां आर की वैल्यू है वहां जहां जहां आर है वहां वहां वन टू थ्री फोर पुट करते जाएंगे। जब हमने वन पुट करेंगे तो ये वाला वन हो जाएगा, ठीक है, ये देखें वन हो जाएगा और यहां पर आर की जगह वन आ जाएगा तो वो ये टर्म आ जाएगी। जब टू पुट करेंगे तो यहां पर टू और टू का स्केयर आ जाएगा, फिर थ्री करेंगे तो थ्री का स्केयर और इसी तरह यहां पर थ्री और यहां पर फोर करेंगे तो फोर का स्केयर आ जाएगा। अब मीन हमें पता है कि वो इस टर्म के इक्वल होती है जो कि हमारे पास ये आई है, तो मीन तो हमारा ये आ गया। अब वेरियंस फाइंड करना है, वेरियंस फाइंड करने के लिए हमें पता है कि म्यू टू जो होता है वो इक्वल टू इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पर म्यू टू की जो वैल्यू है हम वो रिप्लेस करने हैं, वो हमारे पास क्या आई है ये, इसको हमने जब इसकी जगह रिप्लेस किया और म्यू वन की जगह हमने ये वाली पूरी टर्म लिखी वो आ गई ये। अब यहां पर देखें कि ये वाला टू एक टू इससे कट गया तो पीछे एक टू रह जाएगा, वो हमने लिख दिया और बाकी ये वाली टर्म ऐसे रहने दिए। यहां पर जब ये टू अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टर्म आ जाएगी टू म्यू वाई, और यहां पर जब होगा तो ये टू इस टू से कट हो जाएगा और यहां पर खाली सिग्मा स्क्वायर वाई आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें, जब आप कॉमन लेंगे ई टू म्यू, ये टर्म इन दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक है, और साथ में सिग्मा स्क्वायर वाई आ रहा है, तो यहां पर सिर्फ एक एक्सपोनेंट के पार में सिग्मा स्क्वायर वाई रह जाएगा, ठीक है, एक तो ये कॉमन आ जाएगा और बाकी यहां से वन आ जाएगा, तो ये हमारे पास वेरिएंस होगा। थैंक यू।